हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक ऐसी कंपनी जो काम कर रही है स्टील सेक्टर के अंदर में, और सबसे बड़ी बात है वो सप्लाई करती है ऑटोमोटिव फील्ड में। ऑटोमोटिव फील्ड में जैसे मारुति है, टोयोटो है, ह्युंडई है, हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज ऑटो है, इन सब कंपनीज को ये सप्लाई करती है अपना मटेरियल को। स्टील बार्स बनाती है, रॉड्स बनाती है, बिलेट्स बनाती है और स्पेशल एलॉय मटेरियल भी बनाती है ये। और ये कंपनी कोई आज नहीं फॉर्म हुई है, ये बहुत पुरानी कंपनी है, 1973 की कंपनी है। 2010 में ये अपने ग्रुप से अलग हो गई थी और इसको डीमर्ज कर दिया गया था अपने ग्रुप के साथ। इसमें क्या है सबसे बड़ी बात, स्टील सेक्टर में बहुत ज्यादा बहुत सालों से परफॉर्म नहीं किया है, सबसे बड़ी खराबी यही है इसमें। और अब ये ऐसे दौर पे खड़ी है जहां पे परफॉर्मेंस करना लाजमी है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले समय में, और अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या मालूम है, इसकी बोरोइंग बहुत बुरी तरह से कम हुई है। बोरोइंग जो थी वो लगभग हाफ कर दिया इसने, 334 करोड़ के आसपास इसकी बोरोइंग थी, लगभग वो 153 करोड़ के आसपास लेके आ चुकी है। अभी जब हाई रेपो रेट और हाई इंटरेस्ट रेट के जमाने में ये बोरोइंग का कम होना बहुत ही बड़ा फायदेमंद होता है इन कंपनियों के लिए। अब इसके रेवेन्यू के ब्रेकअप की बात कर लेते हैं, तो 70 से 75% इसका जो रेवेन्यू आता है ना, वो पैसेंजर व्हीकल और आपका मोटरसाइकिल से आता है। ये कंपनी लगभग 5% एक्सपोर्ट करती है, 95% इंडिया के अंदर ही कंज्यूम होता है। और एक्सपोर्ट में भी कहां करती है, और एक्सपोर्ट भी कहां करती है, रशिया में करती है, जर्मनी में करती है, स्पेन में करती है, थाईलैंड में करती है और ताइवान में भी करती है। अगस्त 2019 में इसने अलायंस किया था एची स्टील कॉर्पोरेशन के साथ में, जो जापान की कंपनी है, वहां पे अलायंस इसका बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। और वो कंपनी कहां पे सप्लाई करती है, टोयोटा ग्रुप में सप्लाई करती है। मतलब 2010 में ये डीमर्ज हुई थी वर्धमान टेक्सटाइल से। इसके जो मेन प्रमोटर है वो है वर्धमान टेक्सटाइल और दूसरा प्रमोटर है वर्धमान ग्रुप होल्डिंग, और ये कंपनी है वर्धमान स्पेशलिटी स्टील, स्पेशल तरह की स्टील बनाती है, इसीलिए इसका नाम भी स्पेशल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो 5 से 7%, स्टील सेक्टर में ना इतना बहुत है, 5 से 7% के बीच में काम कर रहे हैं। और इसने अपने प्लांट को एक्सपेंशन के मोड में भी लेके गया, 35 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया इसने अपने प्लांट को एक्सपेंड करने के लिए। जो इसकी इन्हेंसमेंट होगी कैपेसिटी, वो 2 लाख TPA से अभी 2.6 TPA हो चुकी है, इसी चलते 35 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया ना इन्होंने अपने एक्सपेंशन के लिए, इसी के चलते। और ये एकदम छोटी सी कंपनी है, बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत विशाल कंपनी ऐसा नहीं है। 1317 करोड़ की इसकी मार्केट कैप, और इसकी प्राइस टू अर्निंग अभी लगभग 12-13 के पास में चल रही है। इसने 200 रुपए का लो लगाया, 334 रुपए का हाई लगाया, 324 के आसपास अभी ये काम कर रही है, 324 के आसपास काम कर रही है। ये लेवल मुझे ठीक लग रहा है, इस लेवल पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। बस कैपिटल जो अपनी है ना वो थोड़ा कम रखिएगा, इसमें ज्यादा मत डालिएगा, 5% से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए आपका, छोटी कंपनी है ना, स्मॉल कैप कंपनी है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा।